हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार मेहता एंड यू आर वाचिंग योर अपना वाला चैनल, प्यारा सा चैनल मेरिट यार्ड। तो जैसा कि अभी तक हम लोग रेस्पायरेशन इन लोअर्स एनिमल्स जो होते हैं उनमें हम लोग रेस्पायरेशन के बारे में स्टडी किए थे। आज का जो टॉपिक है आपका रेस्पायरेशन का, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, और वो टॉपिक है आपका ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम, यानी ह्यूमन में रेस्पायरेशन कैसे होता है, कैसे ऑक्सीजन जो है बॉडी में इंटर करता है, इंटर करने के बाद ऑक्सीजन का होता क्या है, और उसके बाद जो CO2 है वो बॉडी से पास आउट इन्वायरमेंट में कैसे होता है, तो वो हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो देखिए, जो अभी तक हम लोग जो भी रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स की बात किए हैं लोअर एनिमल्स में, उनमें जो हैं इतना कॉम्प्लेक्स या फिर वेल डेवलप्ड जो है रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स उनमें नहीं थे, लेकिन ह्यूमन की बात करें तो यहाँ जो है रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स जो है इनका बहुत ही डेवलप्ड है, यानी वेल डेवलप्ड रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स हैं जिसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करें ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम की, नहीं तो इसको जो है टू पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट जो है आपका रेस्पायरेटरी ट्रैक, यानी ट्रैक का मतलब क्या होता है, पाथ यानी रास्ता, जिसके माध्यम से CO2 और O2 जो है उसका ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक, यानी गैस का ट्रांसपोर्ट जो है जिसके माध्यम से होगा वो क्या है, रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट, यानी उनमें कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं आपके इन्वॉल्व हैं रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट के बारे में। और इसके अलावा हम लोग सेकेंड जो पार्ट है इसका, रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स, यानी मेन जो है आपका ऑर्गन्स कौन सा है रेस्पायरेशन से रिलेटेड, नहीं दो पार्ट। तो देखिए, जो रेस्पायरेटरी ट्रैक की बात करें तो इसे हम लोग कंडक्टिंग पार्ट भी कहते हैं, नहीं कंडक्टिंग, कंडक्ट करना यानी ढोने वाला है, ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक क्या करेगा, जो ऑक्सीजन या CO2 जो भी गैस है एक्सचेंज इनका होता है उसको जो है कंडक्ट करने का फंक्शन है इसका। अब देखिए इसके अंतर्गत आपका कौन कौन से पार्ट आते हैं रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट में, तो फर्स्ट जो है आपका क्या है, नोज है। नोज जैसे जितने भी ह्यूमंस हैं आप लोग स्वयं में देख सकते हैं सबके पास क्या है, सभी के पास नोज है, नहीं तो नोज जो है ये फर्स्ट आपका रेस्पायरेटरी ट्रैक का पार्ट हो गया। सेकंड जो है आपका फेरिंग्स है, जैसे यहाँ पर देखिए ये दिखाया गया है, ये आपका क्या है, नोज है, और इसके बाद सेकंड पार्ट जो है आपका क्या है, फेरिंग्स है। ये फेरिंग्स कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, दोनों इधर से आपका फूड जाएगा और इधर से एयर इंटर जो भी करेगा वो दोनों के लिए कॉमन पाथ होता है। अब देखिए थर्ड जो पार्ट है आपका रेस्पायरेटरी ट्रैक का वो है लैरिंग्स। तो फिगर में दिखाया गया है, यहाँ पर देखिए ये क्या है, लैरिंग्स है। अब लैरिंग्स की बात करें तो उसके बाद आपका है फोर्थ जो है वो है ट्रेकिया। तो ट्रेकिया इसको हम लोग विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं, नहीं ट्रेकिया को विंड पाइप भी कहते हैं, नहीं श्वास की नली है। और फिफ्थ जो है वो पार्ट, वो लास्ट पार्ट है रेस्पायरेटरी ट्रैक का, कौन सा है, ब्रोंकस। जो ट्रेकिया जो है वो लोअर में यहाँ पर जो लंग्स होता है वहाँ पर क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, टू ब्रांच निकलते हैं, ये देखिए ये और ये, जिसे हम लोग ब्रोंकस के नाम से जानते हैं। तो ये इतने ऑर्गन्स जो हैं आपके क्या हैं, रेस्पायरेटरी ट्रैक में इन्वॉल्व्ड हैं, ठीक। अब देखिए सेकेंड जो है आपका रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स, यानी इसको हम लोग एक्सचेंज पार्ट के नाम से भी जानते हैं, यानी मेनली जो है O2 एंड CO2 का एक्सचेंज जो है आपका कहाँ पर होता है, लंग्स में होता है, फेफड़ा में होता है। तो ये है आपका रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स। अब देखिए लंग्स की बात करें तो लंग्स जो है ह्यूमन में क्या होते हैं, वन पेयर पाए जाते हैं, दोनों लंग्स जो हैं उनका साइज जो है इक्वल नहीं अनइक्वल होता है। और लंग्स की बात करें तो ये क्या है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपके कौन कौन से और जो कुछ डक्ट पाए जाते हैं ब्रांचेज, जिनको हम लोग ब्रोंकी कहते हैं, यानी ब्रोंकस जो है और
जो है और नलियों में विभाजित होता है। ये देखिए अंदर में ये सब क्या है, ब्रोंकस है, और जो ब्रोंकस के बाद वो जो है और ब्रांच में डिवाइड होते हैं जिनको हम लोग ब्रोंकियोल कहते हैं। अंतिम जो पार्ट होता है ये देखिए, जैसे यहाँ दिखाया गया है ब्रोंकियोल है, जिससे जो है बैलून बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो है अटैच होता है, जिसको एल्वियोली कहते हैं। ये प्लूरल शब्द है, सिंगुलर एक के लिए एल्वियोलस कहते हैं और बहुत सारे हैं इसीलिए एल्वियोलाई कहते हैं। तो ये था आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। नहीं तो अब हम लोग जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके बारे में वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, कि कौन कौन से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्वॉल्व ऑर्गन्स हैं, जिसमें फर्स्ट आपका क्या है, नोज है। नहीं जैसा कि फिगर में दिखाया गया, ये देखिए क्या है आपका यहाँ पर, नोज है। तो नोज जो है, नोज में बात करें तो नोज में क्या होता है, जितने भी जो भी हैं सब के नोज में क्या होता है, दो छिद्र होता है, पोर्स पाए जाते हैं, नहीं जिन्हें हम लोग नोस्ट्रिल कहते हैं। ये जो छिद्र है यहाँ पर दो छिद्र पाया जाता है सबके, है जो नोज है उसमें सभी में होता है, तो नोस्ट्रिल कहते हैं उसे, नोस्ट्रिल। और सेकेंड पार्ट जो है, नोज के इनसाइड में जाएंगे तो वहाँ पर क्या है कि चैम्बर पाया जाता है। चैम्बर का मतलब गैप, खाली स्थान, जिसे हम लोग नेजल चैम्बर कहते हैं, क्योंकि नेजल शब्द नोज के लिए आता है, नोज के अंदर चैम्बर है इसीलिए उसको हम लोग नेजल चैम्बर कहें। तो सेकेंड पार्ट आपका क्या हो गया, नेजल चैम्बर हो गया। अब देखिए जो नोस्ट्रिल है, तो इन्वायरमेंट से जो भी ऑक्सीजन ब्रीदिंग में यानी इंस्पायरेशन के द्वारा जो इनहेल किया जाता है बॉडी में, तो वो नोस्ट्रिल के द्वारा ऑक्सीजन जो है इंटर करता है, और नोस्ट्रिल के द्वारा ही CO2 जो है एक्सहेल होता है यानी बाहर निकलता है। नहीं अब देखिए, जब ऑक्सीजन इंटर करता है, नहीं इंटर किया नोज में ऑक्सीजन, तो वो कहाँ जाएगा, नेजल चैम्बर में जाएगा। तो नेजल चैम्बर की बात करें तो वो भी क्या होता है, दो होता है, जिसे बीच में सेप्टम कहते हैं। नाक जो है उसमें क्या होता है, नेजल सेप्टम पाया जाता है, वो दोनों चैम्बर को क्या करता है, सेपरेट करता है। ये देखिए ये रेड कलर का जो दिखाया गया है ये क्या है, नेजल सेप्टम है। नहीं और ये दो चैम्बर हो गए, तो ये जो चैम्बर हैं उनमें उनको सेपरेट करने वाला नेजल सेप्टम हो गया। अब नेजल चैम्बर जो है उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, तो आपका हेयर्स जो हैं ये पाए जाते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू जो है नोज में प्रेजेंट होता है यानी नेजल चैम्बर में, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स जो कि म्यूकस सिक्रेट करते हैं, ये जो है चिपचिपा पदार्थ होता है, जितने भी डस्ट पार्टिकल ये सब इंटर करेंगे उनको ट्रैप करता है। तो फंक्शंस की बात करें तो ये सभी जो हैं इनका फंक्शंस क्या है, तो ये सभी क्या करते हैं, जो भी एयर इंटर करता है, एयर इन द सेंस ऑक्सीजन, तो एयर के साथ सॉरी ऑक्सीजन जो है उस वही क्या है, बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, तो वो आगे बढ़ता है, लेकिन बाकी जितने भी हैं और भी डस्ट या फिर जो भी चीज़ है मटेरियल्स, वो सभी क्या होते हैं, जो हार्मफुल है उनको यहीं पर ट्रैप कर लिया जाता है, नहीं रोक दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो एयर इंटर करता है तो उसको मॉइस्टेन यानी उसको नमी युक्त बनाया जाता है वहाँ पर, नहीं वार्म यानी गर्म किया जाता है, और डस्ट फ्री यानी जो भी डस्ट जो है एयर के साथ इंटर कर रहे हैं बॉडी में, तो उनको डस्ट को यहीं पर ट्रैप कर लिया जाएगा। नहीं तो ये है नेजल चैम्बर, इसका फंक्शंस हो गया। इसके बाद देखिए ये आपका हो गया नोज, सेकंड हम लोग नोज के बाद चलें तो सेकंड आपका कौन सा पार्ट है, फेरिंग्स है। नहीं तो फेरिंग्स की बात करें तो यहां देखिए ये क्या है, फेरिंग्स है। तो फर्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये है कि फेरिंग्स जो है फाइव स्टार, ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है, फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन पैसेज होता है फूड एंड एयर के लिए, यानी दोनों के लिए, इधर से फूड इंटर करेगा, फूड है नहीं, और इधर से ऑक्सीजन जो भी जाएगा वो दोनों आकर के मिक्स होते हैं कॉमन पॉइंट पर, जिसे हम लोग फेरिंग्स कहते हैं।
ये जो है फेरिंग्स जो है आगे जो है चलता है और वो खुलता है कहाँ पर, सीधे ट्रेकिया में खुलता है। नहीं, ट्रेकिया में खुलने से पहले, उससे पहले एक और पार्ट है जिसको हम लोग ग्लोटिस कहते हैं। चूंकि ये मर्ज होता है इसीलिए इसको हम लोग सेपरेटली वैसे नहीं मानते हैं। तो ये वाला पार्ट देखिए, यहाँ पर क्या है, ये ग्लोटिस हो गया और ये जो है लैरिंग्स है। नहीं तो जो ट्रेकिया में खुलने से पहले आपका जो है ये लैरिंग्स, जो लैरिंग्स में खुलेगा और लैरिंग्स जो है उससे पहले एक पार्ट है जिसे ग्लोटिस कहते हैं। और ग्लोटिस में ऑक्सीजन इंटर करने से पहले वहां पर क्या है, एक थिन स्लिट पाया जाता है, पतला सा नहीं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, जो क्या करता है कि ये जो है जो भी फूड जो है, मान लीजिए फूड एंड एयर दोनों एक ही साथ आ रहे हैं। नहीं, कभी जब भी सुने होंगे कि बात करते समय भोजन नहीं, भोजन खाते समय जो है बात नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब हम लोग भोजन को लेते हैं और बात भी करते हैं तो ऑक्सीजन भी इंटर किया और फूड भी इंटर किया। तो ये एपिग्लोटिस जो है इसे पता नहीं चलता है कि इसे क्या करना है। ये जो है क्या करता है, जब फूड इधर से इंटर करता है तो एपिग्लोटिस इसको कवर कर लेता है, यानी फूड को ट्रेकिया में जाने से रोकता है, नहीं, या फिर ग्लोटिस में कह सकते हैं। तो ये एपिग्लोटिस हो गया, नहीं, जो प्रिवेंट करता है। अब ट्रेकिया में खुलेगा नहीं, तो उससे पहले, ट्रेकिया से पहले एक और पार्ट है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लैरिंग्स कहते हैं। लैरिंग्स, तो थर्ड पार्ट आपका क्या है, लैरिंग्स। तो लैरिंग्स देखिए, ये जो है इसे हम लोग वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी हम लोग एक्टिविटीज करते हैं बोलने के लिए, जो भी एक्शन होता है बोलते हैं, तो वो सभी कहाँ से, लैरिंग्स से प्रोड्यूस होता है। लैरिंग्स आपका, इसलिए इसे हम लोग वॉइस बॉक्स कहते हैं। लैरिंग्स जो है होलो होता है और कार्टिलेजिनस होता है, नहीं, कार्टिलेजिनस। और ये कहाँ पाया जाता है, तो अपर एंड ऑफ ट्रेकिया। तो ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया का अपर एंड जो है वहां पर प्रेजेंट होता है लैरिंग्स। और लैरिंग्स जो है इसे हम लोग एडम्स एप्पल के नाम से भी जानते हैं। जब यही जो है, जैसे जैसे बॉडी, जैसे जैसे जो है एडल्ट होते हैं, तो ये क्या होता है और डेवलप्ड होता है, और इसी को हम लोग एडम्स एप्पल के नाम से जानते हैं। लैरिंग्स जो है इसमें क्या, टू पेयर्स जो है आपके वोकल कोड्स पाए जाते हैं, और यही वोकल कोड्स है जिनमें वाइब्रेशन के पश्चात क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, साउंड का प्रोडक्शन होता है। नहीं, तो ये था आपका लैरिंग्स। अब देखिए, लैरिंग्स के बाद ये आपका लैरिंग्स वाला पार्ट हो गया। लैरिंग्स के बाद हम लोग और नीचे जाएंगे तो आएगा ट्रेकिया। आपका कौन सा पार्ट है, ट्रेकिया। तो देखिए, ट्रेकिया की बात करें, ट्रेकिया है, ट्रेकिया क्या होता है, तो ये थीन लॉन्ग ट्यूब है। नहीं, ये देखिए, थीन लॉन्ग लंबा सा ट्यूब है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। नहीं, और ट्रेकिया जो है इसे हम, ट्रेकिया जो है वो सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू से कवर्ड होता है। नहीं, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू जो है इसके इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं, यानी सिलिया पाया जाता है। सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू बोले तो, इसे 9th क्लास में पढ़ना था। देखिए, ये कुछ एपिथेलियल टिश्यू हैं, इसमें क्या, सिलिया पाए जाते हैं, नहीं, ऐसे स्ट्रक्चर्स। अब देखिए, जो ट्रेकिया जो है उसके सामने, जैसे हम लोग देखें, ये आपका क्या है, ट्रेकिया है, तो ट्रेकिया के सामने क्या होता है कि सी शेप का इनकम्प्लीट कार्टिलेज का रिंग्स पाया जाता है। नहीं, जिसे हम लोग रिंग्स ऑफ कार्टिलेज के नाम से भी जानते हैं। ये देखिए, दिखाया गया है, रेड रेड जो है रिंग्स, इनकम्प्लीट होता है ये, ना, कम्प्लीटली नहीं होता है। अब देखिए, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कहते हैं, इसका फंक्शंस आपका क्या है कि ये ट्रेकिया को कोलेप्स होने से रोकता है। जैसे एयर जब नहीं है तो हो सकता है ट्रेकिया जो है ये क्या हो जाएगा, कोलेप्स, यानी सिकुड़ जाए। तो इस कंडीशन में इसे कोलेप्स होने से रोकने का काम कौन करता है, आपका रिंग्स ऑफ कार्टिलेज करता है, नहीं, कोलेप्स होने से प्रिवेंट करता है इसे। तो ये है आपका ट्रेकिया, नहीं, ट्रेकिया हो गया। इसके बाद ट्रेकिया के बाद आगे बढ़े तो ट्रेकिया ही क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है, जो ब्रोंकस कहलाता है आपका, और ब्रोंकस, नहीं, तो ब्रोंकस तक क्या है आपका, रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया। नहीं, अब हम लोग रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
चलिए, तो अब हम लोग जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है यानी लंग्स, उसके बारे में स्टडी करेंगे। चलिए, तो अब हम लोग जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है यानी लंग्स के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, तो ये है आपका लंग्स की बात करते हैं, नहीं तो लंग्स जो है वो क्या होता है, ह्यूमन में जो लंग्स है वो वन पेयर होता है। कितना होता है? वन पेयर यानी एक जोड़ी होता है। नहीं, अब बात करें लेफ्ट एंड राइट लंग्स जो है, नहीं तो ऐसे खड़ा है। देखिए ये क्या है आपका, ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। तो लेफ्ट लंग्स जो है वो क्या होता है, थोड़ा सा स्मॉलर होगा और राइट लंग्स जो है वो बड़ा होगा यानी बिगर होगा। राइट लंग्स की बात करें तो राइट लंग्स जो है उसमें थ्री लोब्स पाए जाते हैं, देखिए 1, 2 एंड 3। और लेफ्ट लंग्स की बात करते हैं तो उसमें टू लोब्स पाए जाते हैं, 1, 2। नहीं कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए देखिए आगे, लंग्स की बात करते हैं तो ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है, इलास्टिक होता है और बैग लाइक स्ट्रक्चर है। सॉफ्ट, इलास्टिक एंड बैग लाइक स्ट्रक्चर। नहीं, लंग्स जो है वो, ये देखिए क्या है आपका लंग्स है। और लंग्स की बात करते हैं तो वो क्या होता है, मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये आपका ग्रीन वाला जो बॉर्डर है बाहर में दिखाया गया है वो क्या है आपका, ये हो गया आउटर, और ब्लैक वाला जो है वो हो गया आपका इनर। तो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन एंड इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या है, लिक्विड फ्लूड पाए जाते हैं। जो रेड रेड डॉट से दिखाए गए हैं ये सभी क्या है, फ्लूड्स हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्लूरल फ्लूड के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरल फ्लूड कहते हैं। अब ये जो प्लूरल फ्लूड है इसका फंक्शंस क्या है, तो ये जो प्लूरल फ्लूड है, जैसे हम लोग ऑक्सीजन जब इंटेक करेंगे नहीं तो क्या होगा, लंग्स जो है वो फूलेगा। तो हो सकता है लंग्स जो है वो, चूंकि लंग्स जो है हार्ट के कॉन्टेक्ट में होता है, नहीं थोरेसिक चैम्बर ये सभी, तो उससे क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। तो लगातार फ्रिक्शन के कारण हो सकता है कि वो जो आपका वाल है या फिर लंग्स जो वो डैमेज हो जाए। तो इस कंडीशन को, उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए ये फ्लूड प्रेजेंट होता है, यानी फ्लूड रिड्यूसेज फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। यहाँ पर आपका इस पोजिशन में यहाँ पर हर्ट पाया जाता है, नहीं तो फूलेगा, तो इन दोनों के बीच फ्रिक्शन होगा, उसी को कम करेगा ये फ्लूड। और बात करते हैं लंग्स, लंग्स जो है नहीं, तो लंग्स से पहले देखिए ट्रेकिया जो है ये दो भाग में डिवाइड होता है, जिसे ब्रोंकस कहते हैं, नहीं और ब्रोंकस जो है आगे चल करके इंटर करता है लंग्स में और ब्रांचेज में डिवाइड होता है, जिनको हम लोग ब्रोंकी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकी कहते हैं, यानी ब्रोंकाई कह सकते हैं। तो ये जो है आपका देखिए ब्रोंकी हो गया, और ब्रोंकी जो है और थिन ट्यूब जो है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में और डिवाइड होगा ब्रांचेज में, तो जिसे लास्ट में, जिसे हम लोग ब्रोंकियोल कहेंगे। और ये ब्रोंकियोल जो है यही आपका आगे चल करके नहीं और एक स्ट्रक्चर बनाता है, थीन वैस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग एल्वियोलाई कहते हैं, यानी थीन इरेगुलर वाल्ड नहीं वैस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर या फिर बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्व्यूलस कहते हैं। यहाँ पर देखिए दिखाया गया है ये रेड रेड जितने भी हैं ये सभी क्या हैं आपके, एल्व्यूलस हैं, नहीं एल्व्यूलस वन के लिए और प्लूरल के लिए, बहुत सारे के लिए एल्व्यूलाई कहते हैं उन्हीं को हम लोग। अब देखिए आगे अगर एल्व्यूलस की बात करते हैं तो एल्व्यूलस जो है आपका नहीं वो आपका पाया जाता है एक सैक में, नहीं जिसे हम लोग एल्व्यूलर सैक कहते हैं, नहीं
जैसे ये देखिए, ब्रोंकियोल हो गया, ये क्या है कि ये एल्व्यूलर सैक हो गया, और इसी के अंदर आपके क्या पाए जाएंगे, इसी के अंदर एल्व्यूलाई पाए जाते हैं। तो एल्व्यूलर सैक में पाया जाता है, और एल्व्यूलाई जो है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, लंग्स का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट एल्व्यूलाई होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, ये जो लंग्स की बात करते हैं, जैसे यहाँ देखिए एल्व्यूलाई का डायग्राम जो है डिटेल में दिखाया गया है, ये इसको हम लोग जूम करके यहाँ दिखाए हैं। तो ये क्या है, एक एल्व्यूलस का स्ट्रक्चर है जिसमें ये सभी क्या है, यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं, ओ टू जो है इंटर इसी में करता है और सी ओ टू बाहर यहाँ से निकलता है, नहीं लंग्स यानी एल्व्यूलाई में, एल्व्यूलाई। और यहाँ पर क्या है, एल्व्यूलाई जो है वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, क्यों कहते हैं वैस्कुलर सब किसके लिए, तो ब्लड वेसल्स जो है उससे बाउंड होता है, घिरा होता है, पूरा थिन जो है लेयर पाया जाता है, ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है। तो ये क्या है आपका, ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन इंटर करता है ब्लड वेसल्स और ऑल ओवर बॉडी में जाता है, और CO2 जो आता है वो यहीं पर आता है ब्लड वेसल्स और इसके बाद एल्व्यूलाई में, और उसके बाद वहाँ से जब एक्सेल करते हैं CO2 को तो बाहर निकल जाता है। तो ये है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ देखिए ध्यान देने वाली है कि ये जो लंग्स है वो ऊपर से क्या है, लंग्स इतना प्रोटेक्टेड होता है कि उसके ऊपर देखिए रिब्स पाए जाते हैं, नहीं ये सभी क्या है, ये सभी रिब्स हैं, इसके अलावा मसल्स पाए जाते हैं, नहीं। और तो ये है आपका पूरा लंग्स, नहीं। तो लंग्स यानी लंग्सी को हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मेन ऑर्गन है, एक्सचेंज पार्ट है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, नहीं। ये था आपका लंग्स। हाँ एक और बात, जो थोरेसिक चैम्बर, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग थोरेसिक चैम्बर या कैविटी कहते हैं, जिसमें आपका लंग्स जो है प्रेजेंट होता है, नहीं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जितने भी पूरे मिला करके इस चैम्बर को हम लोग थोरेसिक चैम्बर कहते हैं, और ये जो है एक मसल्स मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, डायफ्राम, नहीं डोम शेप जो है धनुषाकार ऐसा देखिए दिखने में लगेगा, ये जो है डायफ्राम, ये आपका एब्डोमिनल कैविटी यहाँ पर पाया जाएगा, जो एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी दोनों को क्या करता है, सेपरेट करता है। इसके नीचे आपका पाया जाता है एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमेन सब जो है आपके पेट, ये सब जो है जितने भी इंटेस्टाइन, नहीं, और आपका स्टोमिक, ये सब प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी में, और रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स हैं जितने भी वो सभी थोरेसिक कैविटी या चैम्बर में पाए जाते हैं। तो थोरेसिक कैविटी का जो बेस है वो आपका डायफ्राम के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। ये था आपका ऑल ओवर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, नहीं, जिसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में स्टडी कर चुके हैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हैं उसमें मेनली कौन सा ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करता है, यानी लंग्स करता है, नहीं। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम लोग जानेंगे जो एक्सचेंज होता है, यानी जो यहाँ पर आप जो भी ऑक्सीजन को इनहेल किए हैं, नहीं, इनहेल के पश्चात वो आता है, नहीं, ट्रेकिया से होते हुए लंग्स में आया, लंग्स से कहाँ आ गया, एल्व्यूलाई में आ गया, और एल्व्यूलाई में आने के बाद क्या होगा, इसका एक्सचेंज कैसे होता है, और एक्सचेंज के बाद क्या होता है कि वो जो है ऑल ओवर बॉडी तक कैसे पहुँचता है ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड ऑल ओवर बॉडी से कैसे इन्वायरमेंट में बाहर जाता है, ये प्रोसेस जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए आप स्टडी करते रहें, थैंक्स।